हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेमिंग यूनिवर्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पबजी गेम को कैसे खेला जाता है, हाउ टू प्ले पबजी। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ये वीडियो केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पबजी खेलना अभी स्टार्ट किया है, जिन्हें पबजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इसके कैसे क्या कंट्रोल्स है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पबजी से रिलेटेड आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पबजी अपने फ़ोन में खोल लिया है, और खोलने के बाद एक ऐसा इंटरफेस सामने निकल के आता है। दोस्तों, इसमें तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, एक फेसबुक का, एक ट्विटर का और एक गेस्ट का। तो दोस्तों, आप नॉर्मली किसी से भी लॉगिन कर सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फेसबुक या ट्विटर से ही लॉगिन करें, क्योंकि इनसे लॉगिन करने से ये फ़ायदा है कि जब आप पबजी को अनइंस्टॉल कर दोगे फिर दोबारा इंस्टॉल करोगे तो आपका जो डाटा है पबजी के अंदर वो आपका इरेस नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और अब अगर आप गेस्ट बन के खेलोगे तो अनइंस्टॉल करने के बाद आपका सारा डाटा उड़ जाएगा। तो दोस्तों, आप लॉगिन फेसबुक या ट्विटर से ही कीजिए। तो दोस्तों, आपको अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको लॉबी बोलते हैं, और इसमें आपको अभी कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि लेफ़्ट साइड जो टॉप पे स्टार्ट के नीचे जो रेक्टेंगुलर आइकन आ रहा है उस पर आप क्लिक करके मैप चेंज कर सकते हो। अगर आपको इरेंगल खेलना तो आप इरेंगल खेल सकते हो, या मिरामार खेलना तो मिरामार खेल सकते हो, ये आपके ऊपर है। और जस्ट इसके नीचे तीन ऑप्शंस और आ रहे हैं, जैसे कि अगर आपको अकेला खेलना हो तो आप सोलो करके खेल सकते हो, और आपको अगर दो जनों की टीम बनाकर खेलना हो तो आप डीओ में खेल सकते हो, और आपको चार जनों की टीम यानी कि स्क्वाड में खेलना तो आप इस पे क्लिक करके इसको यहाँ से ओके कर लीजिए। और दोस्तों, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप पबजी खेलो आप ये इंश्योर कीजिए कि आप एक ही कंट्री में खेल रहे हो, क्योंकि इसमें हर एक मैच के बाद आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो कि प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी, ये डिपेंड करता है आपके गेम के ऊपर। तो मान लो अगर आपने एशिया के सर्वर पर कनेक्ट करके आप खेल रहे हो तो आपको जो भी पॉइंट मिलेंगे, जो एशिया के सर्वर में आपका जो भी टियर होगा जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, तो इसमें जाके आपके जो पॉइंट्स हैं वो ऐड होंगे। और इसके जगह अगर आप कंट्री चेंज करके खेलते हो तो जो पॉइंट है वो उसमें जाके ऐड होंगे, जैसे कि आपका जो टियर है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो आप अगर एक ही कंट्री में खेलते हो तो आपका टियर एक ही कंट्री के सर्वर के अंदर बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप एक ही कंट्री में करके खेलिएगा। और दोस्तों, आप इस गेम को रैंडमली भी खेल सकते हो, और आप और अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। जैसे कि आपने अगर फेसबुक से लॉगिन किया है तो आपके फेसबुक फ्रेंड्स में से जो भी पबजी खेलते हैं उनके नाम यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, और अगर वो ऑनलाइन हैं तो यहाँ पे उनके नाम के नीचे आइडल लिखा हुआ आएगा, तो आप उनको रिक्वेस्ट भेजकर आप उनके साथ खेल सकते हो। अगर नहीं है तो आप रैंडमली भी खेल सकते हो, ये आपके ऊपर। तो दोस्तों, चलो अब मैं आप लोगों को मैच स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये मैच रैंडमली स्टार्ट किया था, ये थोड़ा टाइम लगाएगा लोड होने में। और दोस्तों, पबजी का रूल एक ही है कि लास्ट तक सर्वाइव करना रहता है इसमें, भले ही आप एनिमीज को मारो या ना मारो। तो दोस्तों, अपन आ गए, अभी भी गेम स्टार्ट नहीं हुआ है। ये गेम स्टार्ट होने से पहले कुछ 40 से फूड्स दिए जाते हैं कि अगर आपको गेम से बाहर जाना है तो अभी भी आपके पास मौका है, आप जा सकते हो एक्सेप्ट करके, आपको माइनस नहीं मिलेंगे। और अगर एक बार आप प्लेन में बैठ गए और बैठने के बाद अगर आपने एक्सेप्ट किया मैच तो आपको माइनस मिलेंगे। तो दोस्तों, मैंने स्क्वाड में मैच चलाया था तो मेरे टीममेट के नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे साइड में, मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजा था पैराशूट से उतरने के लिए, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और मैंने मैप में लोकेशन मार्क कर लिया पोचिंग की। तो चलिए अब, तो ये अपना मैप है इरेंगल, आप कहीं पे भी उतर सकते हो जैसे कि आपकी मर्जी। और इसको मैं सिंपली स्लाइड कर लूंगा मेरे लोकेशन पे जहां पे भी मैंने मार किया है।
ये अपना पैराशूट खुल गया। तो दोस्तों अब मुझे घरों में जाके वेपन्स और कई सारे चीज़ें मुझे लेने होंगे जो कि एनिमीज को मारने के काम आते हैं। लो एक बंदा मेरे जस्ट बगल में ही उतरा, तो मुझे यहाँ पे अभी ये गन मिल चुकी है। ये मैंने पहला बंदा नॉक किया मैंने, मुझे एक और गन मिल गई। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना आपको, बस घरों में जाओ लूटो, जहां बंदे देखे मारो। अगर आपको रश करके खेलना पसंद है तो आप रश करके खेलो, और अगर चुप चुप के खेलना पसंद है तो चुप चुप के खेलो। रूल बस एक ही है कि आपको लास्ट तक सर्वाइव करना पड़ेगा चिकन डिनर के लिए, जो कि इस गेम का रिवॉर्ड है, और हर पबजी खेलने वाला बंदा चिकन डिनर लाना चाहता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको अब आइडिया तो लग ही गया होगा कि पबजी के क्या रूल्स है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं।